Hey, चल भाग यहाँ से. क्या ये? तूने जाकर अपने मम्मी डैडी से मेरी कंप्लेंट की है? तू चाहे कुछ भी कर ले, तू क्या? अगर तेरे माँ बाप भी मुझसे कहेंगे ना, तुझे नहीं सिखाऊंगा. ए, तुम्हें पता है इसने क्या किया? पहले तो मुझे अपने आगे दौड़ाता 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 रहा और फिर बोलता है कि मुझे संगीत सिखाओ. तुम में से किसी ने इसे तमीज नहीं सिखाई? तुम लोगों से कुछ भी नहीं होगा, इसे तो मैं ही बताता हूँ. मेरे से पंगा लेता है, मेरे से पंगा. अरे बाप रे, पहले तो एक ही था, अब तो पूरी फैमिली मेरे पीछे पड़ गई है. अब क्या करूँ? हो गया ना कंफ्यूज. What to do, what not to do? हैं हैं? ये क्या करने जा रहा है? आजा 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 ऊपर आजा 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 आजा. अरे अरे बाप रे, ये तो सच में आ गई. अब मैं क्या करूँ? अरे मुझे छोड़ दो, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है. तुम्हारा हूँ, मैं सब करूँ मेरे साथ. अरे नहीं नहीं नहीं, छोड़ दो. अरे भगवान, अरे मैं क्या करूँ? अरे मुझे छोड़ दो, अरे मुझे छोड़ दो. मैंने कुछ नहीं किया है, तो मैं उसे संगीत सिखाऊंगा. नहीं की एक्टिंग करता हूँ. क्या उल्लू बनाया इनको? मर जा बेटा. बाइक यहाँ पड़ी है तो वो लोग कहीं आसपास ही होंगे. हाँ भैया, वो लोग ज्यादा दूर नहीं गए होंगे. जाओ ढूंढो. आपने मुझे पैदा किया ये भी मैं भूल जाऊंगा. किसी और की लड़की को अगर आप सब कुछ दे दोगे तो क्या मैं चुप रहूंगा? जान से मार डालूंगा. कोई दौलत मेरे नाम नहीं हुई है, मुझे उसे छीननी है. और दौलत कितनी है जानता है तू? 2000 करोड़ से भी ऊपर. अगर हमसे एक भी गलती हुई ना तो बाबा जी का ढुल्लू मिलेगा. उसे जिंदा रखना है ताकि 2000 करोड़ रुपए मिले. उसके बैंक के डिटेल सिर्फ वो ही जानती है. वो पता नहीं इस वक्त कहाँ पर होगी. ए सुन, स्टाफ को 3 महीने की सैलरी देनी है. तेरे पापा के पास कुछ नहीं है तो थोड़ा लोन देगा क्या? जब देखो तो पैसा पैसा पेड़ लगा है. चोर का बेटा तो चोर ही होगा ना, विश्वास नहीं कर सकते इन पर. मुझे उस लड़की को बचाना होगा. ए, मैंने तेरा नंबर उसे मैसेज कर दिया. फोन ऑन करते ही वो तुझे कॉल करेगी. तू जा, उसे वाइजैग से उठा और पूरी हिफाजत से उसे यहाँ ले आ. मैं यही तुम्हारा वेट करता हूँ. ठीक है बड़े भैया. चल जा. ए संदीप, देखो कितना बड़ा टेंपल है. Excuse me, भाई साहब. What is that place? Is it tomb or a temple? Hey, it's very old temple, dude. पूजा किस नाम से करनी है बहन जी? नतनी के नाम से. और उसका नाम क्या है? अन्नपूर्णा. इधर आ. मैंने पूरा मंदिर छान मारा और आप यहाँ खड़ी हैं? ये क्या है नानी माँ? चुप कर, भगवान के सामने हाथ जोड़. चले टैक्सी. चलोगे क्या? चलूंगा, लेकिन मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. लाइसेंस नहीं है, डीजल नहीं है. दोनों है. डिक्की लॉक हो गई है इसीलिए लगेज अंदर रखना पड़ेगा. अरे मेरे पास लगेज है ही नहीं. चलो. लगेज नहीं है, लगेज नहीं है, लगेज है ही नहीं. टीवी सीरियल में काम करते थे क्या तुम्हें? अपने पैसों से मतलब है या फिर लगेज से मतलब है? वो क्या है कि लगेज का थोड़ा भाड़ा एक्स्ट्रा मिलता है ना. मेरा लगेज चला गया है, किसी ने चुरा लिया. ये तो वही चोर है. तुम ही हो. गया काम से. बाप रे, ये सब क्या है? स्टोर रूम बना के रखा है क्या डिक्की को? मिनी स्टोर है. तुम्हारा लगेज कौन सा है? ए, मेरा टैब का है. तुम्हारे टैब के टेंपल रन गेम की तरह वो भी भाग गया.
टेम्पल रन किए जाए थे। तुम्हारे डैड का मैसेज आया है। मेरी प्यारी गुड़िया, तुमने सही कहा था, मेरा फोन टैप हो रहा है, ये मेरा फ्रेंड पीके का नंबर है, तुरंत फोन करो। It's ringing. Hello, is it Mr. PK? Yes, speaking. मैं अन्नपूर्णा बोल रही हूँ। हाँ? डैड है क्या? डैडी तुम्हें ही लेने आ रहे हैं बेटा, तुम इस वक्त कहाँ हो? वाइजैक पहुँच रही हूँ अंकल। ओह, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हें लेने के लिए वहीं आ रहा हूँ। डैडी को पहुँचने में थोड़ा लेट होगा। ठीक है अंकल, आप वाइजैक पहुँच कर फोन कीजिएगा। ओके बेटा। सो तब तक तुम मेरे घर चलोगी? यस। हेलो हेलो, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ दम आलू। तू कहाँ है यार? अरे भाई तू भूल कैसे गया, गाड़ी के साथ तूने मुझे जंगल में छोड़ा था, अब उस लड़की के साथ तू कहाँ मंगल कर रहा है, है? मैं मंजिल तक पहुँच गया हूँ, तू भी आ जा। मंजिल तक मैं क्या करूँ? बोला ना आ जा। ओ अच्छा, अगर तू पहुँच गया तो मैं भी पहुँच जाऊंगा। ओके भाई, बाय बाय, मंजिल पर ही मिलता हूँ। ए रुको, बोल रहे बड़े भैया आप अभी क्या कर रहे हैं? चिकन मच्छी तलकर खा रहा हूँ, तुझे क्या करना है? बात क्या बता, क्यों कर रहे बड़े भैया? तुम्हारी बेटी इसी शहर में है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ, जाकर उसे रिसीव करता हूँ, आप बेफिक्र रहो। क्या खुशखबरी दी है तूने साले, उसे मेरे बताए हुए जगह पे लिया, मैं तुम्हें वहीं पर मिलता हूँ। बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया, वो स्टाफ की सैलरी का क्या हुआ? भैया भैया कहकर इतना मस्का मार रहा हूँ, फिर भी उसे देखो यार, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं है। अनु हम दोनों को साथ में देखेगी तो प्लान चौपट हो जाएगा, जब तक मैं नहीं कहूँ तो सामने मत आना, जा अपना काम संभाल, बाद में फोन करता हूँ। इतना सब कुछ हो गया? अनु तुम टेंशन मत लो, मम्मी पापा थोड़े बेसब्र हैं, सही कह रहा हूँ ना? मतलब तुम एमएलए सदाशिव की बेटी हो? तो ये लोग क्या फिल्म की कहानी बता रहे थे? बहुत हो गया इंटरव्यू, बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। मुझे पता ही था सुबह का भूला शाम को लौट आएगा, क्या खाना है बोलो, बना देती हूँ। मतलब किचन में कुछ भी खाने को नहीं है क्या? क्या तुम शादी का लड्डू खाओगे? साथ में जरा मंडप भी सजा दो, हैदराबाद से यहाँ आया है, ऑलरेडी एंगेजमेंट भी हो गया होगा, जिसे प्यार मिल जाता है उसे भूख प्यास लगती है क्या? मैं सब कुछ जानती हूँ, एंगेजमेंट भी हुई है और सॉरी भी नहीं कहा है, इतने सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया, देखिए ना जी। वो अभी अभी बाहर से आया, जो भी बात करनी बाद में करना। ठीक है, अब हमारा यहाँ क्या काम, तू चल रहे? मुझे थोड़ी देर यहीं बैठना है। इतना सब होने के बाद भी यही रहेगी? चल हमारे साथ चुपचाप। मम्मी मम्मी चलो बेटा फ्रेश हो जाओ। नॉट येट, आई विल मीट हिम टुडे। जरा सैंडी को फोन दे रहा। Hi Sandy, how are you? Hey, who are you? Sandy? Anu! Just leave me! You guys? और तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? Why did you kidnap me? Come on, tell me, mommy! देखो, मैंने अनु का किडनैप किया और तुमने मुझे किडनैप किया। फिट्टूस फिट्टूस, गेम इज ओवर। वैसे तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, रैंसम में क्या चाहिए बोलो। ए, तू किडनैप क्यों करना चाहता था? अरे क्या बताऊं क्यों किया है, बात यह है मैं अनु का किडनैप करके बड़े भैया को धमका कर अपने स्टाफ की सैलरी उनसे निकलवा रहा था। ओ, तो ये बात है। ये भवानी अनु को मारना क्यों चाहता है? भवानी वो कौन है? हाथ है या हथौड़ा? बेकार में इसे बहस करके फायदा नहीं है, अपने डैडी को फोन करो। अरे फोन किस लिए, बच्चे को ले जाकर इसके डैडी के हवाले कर दो, बाकी वही संभाल लेंगे।
ये अब तक नहीं पहुंची है, इसके डैडी कितने परेशान होंगे। मुझे तो लगता है इसके डैडी भी मुसीबत में होंगे। इसे इसके डैडी के हवाले करने से पहले इसके डैडी से हमें सच्चाई पता करनी चाहिए। That's better, Sandeep. Let's go to dad. अभी तक डैडी भी डिस्टर्ब होते आए हैं। डैडी से मिलने के लिए मैं और वेट नहीं करना चाहती। बस बहुत हो गया। डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी। अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं। सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है। बस बहुत हो गया। डैडी 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 कौन है डैडी? किसका डैडी है वो? फ्रॉड डैडी, धोखेबाज डैडी। अरे वो तुम्हारा डैडी है ही नहीं। सच बताऊं तो वो सदाशिव ही नहीं है। After 16 years, डैडी जिंदा है और यहाँ है, ये जानकर मैं सब छोड़ छाड़ कर यहाँ उनसे मिलने आई थी, और आप कह रहे हैं डैडी यहाँ नहीं है, तो फिर कहाँ है? सच्चाई क्या है मुझे बताइए प्लीज। तुम अपने फादर के सेंटीमेंट में डूबी हो। अगर मैंने फ्लैशबैक बता दिया तो वो मुझे डुबा कर मार देगा। डोंट फोर्स मी यार। तुम सच्चाई बताओ या ना बताओ, तुम्हारी मौत तो कन्फर्म है। मैं सच्चाई बताऊँ या ना बताऊँ, उनको सच्चाई का पता नहीं चलेगा, तो तुम्हें क्यों सच बताऊं? सच्चाई तक मैं पहुंच जाऊंगा। सदाशिव का पोल नहीं खोलोगे तो तुम्हारी मौत का फैसला पक्का। हाँ। ए, टाइम आएगा तो मैं भी नहले पे दहला मारूंगा। तुम्हारे पिताजी और नाना नानी के बीच बनती नहीं थी, इसलिए वो अमेरिका चले गए। एक बार तुम्हारी नानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो वो लोग इंडिया आ गए। भैया क्या हालचाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भाभी? मैं ठीक हूँ। ये बैग संभालो। ठीक है भैया। बच्चे कैसे हैं शिवा? वो बिल्कुल ठीक है भाभी। क्यों छोटे, तुम अभी सुधर गए हो या अभी पहले जैसे ही हो? नहीं भैया, मैं बहुत बदल गया हूँ। आपके भेजे हुए पैसों से गाड़ी खरीद कर आराम से जिंदगी गुजार रहा हूँ। जरा सा लोन बाकी है पर वो भी खत्म हो जाएगा। पाप की कमाई में क्या रखा है? सही कहा, ईमानदारी की रोटी में बहुत सुकून है। खुशी हुई कि तुम बदल गए हो। अरे ये क्या? भाभी एड्रेस दे देती तो आपके बाबूजी को खबर पहुंचा देता। एक्सक्यूज मी, आप अपने छोटे भाई की डिटेल्स दे तो फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएंगी। वो मेरे बड़े भैया थे, मैं उनका छोटा भाई हूं। आई एम सॉरी, आप दोनों हमशक्ल हैं इसलिए पहचान नहीं पाया। वैसे सच्चाई तो ये है कि तुम्हारे मम्मी पापा की जान लेने की कोशिश की गई थी, और ऐसे हालात में तुम्हारी माँ ने जिंदगी का सबसे गलत फैसला लिया। कैसी हो बेटी? बाबूजी। दुखी मत हो बेटी। अर्चना, अर्चना बेटी, तेरा सफर तो ठीक था ना? सफर बिल्कुल ठीक था। ये बताओ तुम्हें क्या हुआ है माँ? इस उम्र में भला मुझे क्या होगा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटी, पर वो ये जख्म तुम्हें वो क्या है ना माँ? अन्नपूर्णा। हाँ, हमारी बेटी ने हमारी नतनी को तुम्हारा ही नाम दिया है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है बेटी, तुम्हारे साथ किए जाति का हम प्रायश्चित कर रहे हैं। तुम लोगों से दूर रहकर हम लोग कभी चैन से नहीं रहे। बाबूजी मैं समझ सकती हूँ। परम शिवा, तुमने मेरे लिए जो किया है मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मैं भी तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुमने आज मुझे कितने अच्छे काम में शामिल किया है, पहले डॉक्टर बनाया फिर एक्टर बनाया, लेकिन पेमेंट तुम मुझे एक ड्राइवर का ही दे रही हो। तुमने तो मेरे लिए कुबेर का दरवाजा खोल दिया है। तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। रिलैक्स रिलैक्स। अगर ये लाश मिल गई तो मेरा भांडा फूट सकता है। सदाशिव जी के फ्रेंड बोल रहे हैं? Yes. Who is this? मैं अर्चना मैडम का ड्राइवर बोल रहा हूँ। अर्चना मैडम और आपके फ्रेंड सदाशिव जी जब एयरपोर्ट से निकलकर घर जा रहे थे तब वो हादसे का शिकार हो गए हैं।
What happened? Tell me. उनके कार का एक्सीडेंट हो गया जी. What? दोनों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई जी. Oh God. मरते वक्त अर्चना जी ने कहा कि उनके बच्चे जो आपके पास है उसका तब तक ख्याल रखे जब तक यहाँ से कोई नहीं आता. दामाद जी, अपनी पत्नी के गम में आखिर तुम कब तक डूबे रहोगे? अब इस परिवार के दामाद नहीं तुम बेटे हो. अपने आप को संभालो और अपने काम पर ध्यान दो बेटा. उसने तुम्हारे नाना नानी को मगरमच्छ के आंसू दिखाकर तुम्हारी जगह उन्हें एक अनाथ बच्ची को सौंप दिया.